शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे मम्मी जी, आप ये क्या कर रही है? ये देख तो, मोजा बना रही हूँ अपने पोते के लिए। कितने सालों के बाद मैंने ऊन को हाथ लगाया है। बस दादी बनने का चाव चढ़ गया है मुझ पर। खूब सारी चीजें बनाऊंगी। हे भगवान, देख तो, भूल ही गई, तुझे खीर खिलानी थी। खीर? जल्दी लेके आइए ना, मुझे बड़ी भूख लगी है। अभी लाई बेटा। अरे आरती, नींद पूरी हो गई तेरी? बहुत अच्छी हुई। तो यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, कुछ खाएगी तू? हाँ, मम्मी जी ला रही है ना, खीर बनाई है उन्होंने। संधन जी, वैसे बता रहे हैं वो जो तेरे लिए खीर लाएगी ना, खाना मत। वैसे बता रहे हैं, मैं तो खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। तू रहेगी बुद्धू की बुद्धू। अरे ऐसा खेल तो खेलना ही पड़ेगा। जब भूख लगी है ना तो अंदर कमरे में जाके लड्डू खा ले। शाम को दामाद जी आने के बाद इससे भी मीठी खीर खाने को मिलेगी तुझे। वैसे बता रहे, आपकी फिर से सारी बातें ना मेरे भेजे में जा नहीं रही है। जो मैंने कहा वही कर बस। और लेकिन मेरे को भूख लग गया। ये ले, ले खीर खा। मुझे भूख नहीं है। अरे अभी तो कह रहे थे कि भूख लगी है, खाऊंगी खीर। खाना बहुत अच्छी बनी है। नहीं नहीं। क्या हुआ? मन नहीं कर रहा। खा, थोड़ी सी खा ले। नहीं खानी। वैसे समधन जी, बनी बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं, ला बेटा दे। चिंता मत कर बेटी, अब आएगा असली मजा। वो कैसे? सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। तू ये पान खिला और तू ये काजू खा। चल। बना रहे हो ना? मैं कुछ खा रही हूँ। आरती, कब से मैं? कैसी तबीयत है बेटा? पहले से ठीक है ना? हाय राम, मैं तो मर गई, मेरी कमर। क्या हो गया? बस हा? बेटे वो आप आ गए, मैं चाय लेके आती हूँ। आरती तुम प्लीज लेटी रहो। मेरी कमर। मम्मी जी क्या हुआ? नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं अम्मा, तुम्हें मेरी कसम। छोड़ो, कसम को बोलने दो मम्मी जी को। अच्छा, क्या हो गया? क्या कहें दामाद जी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है। अब आखिर माँ हूँ ना बेटा, कब तक मैं बर्दाश्त करूँगी? पूरा दिन घर की चक्की में पिसती रहती है। अब खाने को क्या मिलता है? वही दो रोटियाँ। ऐसे समय अच्छा खाने को दिल करता है। समधन जी ने
खीर बनाई लेकिन 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 क्या? आरती ने नहीं खाई, बाकी सब ने खाई, यहां तक कि तुम्हारा वो भाई है ना राज, उसे भी खिलाई, लेकिन मेरी बेटी के पेट में तो चम्मच खीर नहीं गई बेटा, नहीं गई। मरो मत अम्मा। मम्मी जी, मम्मी जी, माँ ऐसा क्यों करेंगी? हाँ राज उनका लाडला है ना बेटा, होता है होता है, कभी कभी किसी बच्चे पे ज्यादा प्यार होता है, लेकिन दूसरे के साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं करना चाहिए ना बेटा, नहीं करना चाहिए ना। आरती भी तो उनकी बहू है, पहली बार माँ बनने जा रही है, अब उसके साथ ऐसा सुनो। मेरी कमर। बेटा मैं आई एक मत परेशान करो। मम्मा बोल दुख रही है अम्मा। तबा साहब आप समझ गए ना केस क्या है? ये लोग ना सिर्फ कोमल को टॉर्चर कर रहे हैं बल्कि उस पर बदचलनी का इल्जाम भी लगा रहे हैं, और ये सब ये लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जल्दी से कोमल से तलाक मिल जाए और उसके बाद वो अपने लड़की की शादी किसी ऐसी जगह पे कराएं जहां उन्हें बहुत सारा दहेज मिल रहा हो। मिस्टर अग्रवाल, अगर देखा जाए तो उनके केस में कोई दम नहीं है, जबकि हमारा केस काफी मजबूत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वी विल गेट जस्टिस। देखिए वकील साहब, मैं बस ये चाहता हूं कि मेरी बेटी पर लगे ये झूठे इल्जाम धुल जाए। खाना खा लीजिए। हाँ रानी, मैं पुनीत बोल रहा हूँ। तुम्हारा मिस्ड कॉल देखा, तुमने फोन किया था मुझे? जी जी जो हमी ने फोन किया था, दरअसल पूछना चाह रहे थे कि लॉयर ने क्या कहा। लॉयर ने? अरे राज तुम्हें मिला नहीं क्या? नहीं जी जू, वो राज से हमारी अभी तक मुलाकात नहीं हुई। नहीं, लॉयर ने क्या कहना है? लॉयर ने कहा परेशानी की कोई बात नहीं है, हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, केस हम ही जीतेंगे। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ओके जीजू, बाय। राज, अब तक आप ही हमारी हिम्मत थे, हर मुश्किल का आपके पास हल था, आज भी हमें हिम्मत की ज़रूरत है। दो दिन बाद जीजी की सुनवाई है, हमें हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए कि हम पापा और जीजी के सामने कमज़ोर ना पड़े बल्कि उनकी हिम्मत बने, उनकी ताकत बने। सब ठीक हो जाए। हेलो। हाँ रानी, हम लोग बस निकल ही रहे हैं, आज केस का पहला दिन है ना, इसलिए हम लोग पापा के साथ ही जाएंगे। जी जी जी, हम भी निकल ही रहे हैं, बाय।
मुझे जरा घर की चाबी देना, मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ। राज, मुझे हिम्मत दो राज। आज पापा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अगर आज मैं पापा का थोड़ा भी साथ दे पाया तो खुद से नजर मिला पाऊंगा। जी, सच्चे लोगों के सर पर हमेशा भगवान जी का हाथ रहता है। हम क्यों डरें फिर? आप देखिएगा, राम जी सब भली करेंगे। पापा चलें, अब हमें चलना चाहिए। Proceed. Your Honor, मेरे क्लाइंट धीरज जिंदल ने अपनी पत्नी कोमल जिंदल से तलाक की मांग की और इस तलाक की वजह विश्वास का टूटना है। पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद प्यार और विश्वास होता है मिलॉर्ड, लेकिन जब न प्यार मिले और न ही विश्वास तो यह रिश्ता रिश्ता न रहकर एक बंधन बनकर रह जाता है। मैं धीरज जिंदल और कोमल जिंदल की शादी की कहानी पर थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा। कोमल जिंदल शादी से पहले कोमल मित्तल के नाम से जानी जाती थी। धीरज जिंदल के पेरेंट्स मिस्टर और मिसेस जिंदल अपने बेटे के लिए एक खानदानी, सुशील और संस्कारी बहू चाहते थे। दो अमीर परिवारों में बात चली और यशवर्धन मित्तल की बेटी कोमल मित्तल उन्हें पसंद आ गई। बड़ी धूमधाम से शादी हुई मिलॉर्ड, लेकिन शादी से पहले यशवर्धन मित्तल दिवालिया हो गए। खैर, इस बात से जिंदल्स को क्या फर्क पड़ता था, क्योंकि उनका यह सोचना था कि एक संस्कारी और खानदानी लड़की ही लक्ष्मी का रूप होती है। उन्होंने एक अच्छे सास ससुर होने का फर्ज निभाया और धीरज जिंदल ने भी एक अच्छे पति होने का फर्ज निभाया। उन्होंने अपनी पत्नी को सुख देने की कोशिश की, प्यार देने की कोशिश की, लेकिन मिलॉर्ड कोमल जिंदल एक निहायत ही बददिमाग और बदतमीज लड़की निकली। बात बात पर अपने सास ससुर से झगड़ा करना, उनको ताने देना और उनकी इज्जत की जरा भी परवाह न करना,
और अपने पति धीरज जिंदल के साथ भी उसका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था। I object, Your Honor. मिस्टर कुलकर्णी मेरी क्लाइंट कोमल जिंदल पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। Your Honor, मुझे अपनी बात साबित करने के लिए मेरे पास तमाम गवाह हैं। एंड आई रिक्वेस्ट कि मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दिया जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड, मैं कुछ गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, मैं अपने सबसे पहले गवाह के तौर पर मिसेस केजरीवाल को पेश करना चाहता हूँ। मैं धीरज की बुआ हूँ। जब भी मैं अपनी भाभी के घर में गई तो उन्हें दुखी पाया। जिस घर में कोमल जैसी नकचड़ी और बदतमीज बहू होगी तो सास तो बेचारी दुखी होगी। मिस्टर कुलकर्णी ने जितने भी गवाह पेश किए उन सब ने एक मत से मेरी क्लाइंट पर बददिमाग, बदतमीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा होने का इल्जाम लगाया और सबने एक बात यह भी कही कि वो सब कोमल से बहुत ही कम मिले। योर ऑनर, जब ये लोग कोमल से बहुत ही कम मिले हैं तो इन सब को कोमल के नेचर के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी कहां से हो गई? इस पर ध्यान दिया जाए। इनफैक्ट सच्चाई तो यह है योर ऑनर कि कोमल के ससुराल वाले उसे किसी से ज्यादा मिलने ही नहीं देते थे और उससे हमेशा तंग किया करते थे, उससे नाराज रहते थे, क्योंकि अब कोमल अमीर बाप की बेटी नहीं रह गई थी। मिस्टर कुलकर्णी जिन जिंदल्स की इतनी बढ़ चढ़कर तारीफ कर रहे हैं योर ऑनर, इनफैक्ट वो लोग निहायत ही लालची और छोटे दिल के लोग हैं। वे घर की बहू को लक्ष्मी नहीं बल्कि अपने मायके से लक्ष्मी लाने का जरिया समझते हैं। ये बात खुद मिस्टर एंड मिसेज जिंदल ने मिस्टर पुनीत अग्रवाल और मिस्टर राज गोयल से कही, जो कि मिस्टर यशवर्धन मित्तल के ही दामाद। योर ऑनर, जब ससुराल वालों ने कोमल को घर से निकाल दिया तो मिस्टर पुनीत अग्रवाल और मिस्टर राज गोयल मिस्टर धीरज जिंदल से बातचीत करने के लिए सूरत गए थे और वहां पर उन्होंने जिंदल से जो कुछ सुना उसे सुनकर वो हैरान भी हुए और परेशान भी। हमें धीरज और उसके परिवार से कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर से पहले उन्हें सच का पता चल गया। अगर उसी वक्त बता देते तो हम ये शादी ही नहीं करते। मम्मी का फैसला है, मेरा फैसला है। कोमल को शादी के बाद से ही तंग किया जाने लगा था, यहाँ तक कि मिसेज जिंदल ने उन पर अनेक बार हाथ भी उठाया, लेकिन कोमल ने कभी भी ना तो अपने पिता से शिकायत की ना ही अपनी बहनों से कुछ कहा। अगर वो थोड़ी भी बददिमाग या बदतमीज होती योर ऑनर तो चुपचाप रहने की जगह दो की चार सुनाकर हंगामा खड़ा कर सकती थी। योर राइट मिस्टर तलवार। योर ऑनर, वाकई ये सोचने की बात है कि इतने अत्याचार होने के बावजूद कोमल जिंदल अपने मायके क्यों नहीं लौट गई, वो ससुराल में ही क्यों रहती रही। इसके पीछे एक कारण है मिलॉर्ड, और वो कारण है कोमल का चरित्र। यस मिलॉर्ड, अदालत को ये जानकर हैरानी होगी कि बेहद मासूम दिखने वाली कोमल जिंदल का असली चेहरा कुछ और ही है। इस मासूमियत के पर्दे के पीछे एक धोखेबाज और चरित्रहीन औरत की तस्वीर है मिलॉर्ड। क्या कोई पति ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी पत्नी बददिमाग और बदतमीज होने के साथ साथ चरित्रहीन भी हो? तरस आता है मुझे उस जिंदल खानदान पर जिसे बहू के रूप में एक पद चलन औरत मिली।